नमस्कार दोस्तों, मैं मधु शर्मा आप सबको हमारी MS टर्निंग पॉइंट YouTube फैमिली की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। होली का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? हुड़दंग, यही ना? नहीं, पर ऐसा नहीं है। होली प्यार, सद्भावना, अपनापन, भाईचारा, मेलजोल का प्रतीक है। आज इसका रूप थोड़ा बदला जरूर है, पर है तो ये मेल मिलाप का त्यौहार। आज के दिन हर बच्चा, जवान, बुजुर्ग सब अपनी ईर्ष्या और द्वेष भूलकर साथ में इन रंगों के त्यौहार को अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। कुछ ऐसे ही रंग बिरंगे अनुभव हम आपके लिए लाए हैं जो आपका मनोरंजन तो करेंगे ही, साथ साथ हम सबको साथ मिलकर त्यौहार मनाने की खुशियां भी देंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होली। होली के त्यौहार का शुभारंभ होलिका दहन से होता है। इस दिन भगवान नारायण से आशीर्वाद के रूप में प्रार्थना की जाती है कि जैसे भगवान नारायण ने भगवान प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे ही भगवान नारायण हम सबकी रक्षा करें, हमारे परिवारों में खुशियाँ का संचरण करें और धन धान्य के माध्यम से सुख और खुशियां भर आए। अब आती है खेलने वाली होली की बात। इसमें रंगों का बहुत महत्व है। सब अपने अपने तरीके से होली सेलिब्रेट करते हैं। नाच गाना, मस्ती, खाना, एक दूसरे के साथ जाति धर्म का भेद मिटाकर एक दूसरे के लिए, दूसरे के साथ अपने परिवार की तरह होली खेली जाती है। हमने भी आपके लिए जगह जगह से वीडियो शूट किए हैं ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ कहाँ कैसी होली सेलिब्रेट हो रही है। बात करते हैं बरसाने की होली, कान्हा जी की होली, राधा माँ की होली। वहाँ पे रंगों के साथ साथ फूलों की होली होती है, लठमार होली होती है जिसका बहुत महत्व है, पानी वाली होली होती है और मेरी फेवरेट फूलों की होली। वैसे कोरोना की वजह से 2020 आप जानते ही हैं कैसा रहा। इस बार 2021 में लोगों ने जमकर होली खेली। हाँ, कुछ पाबंदियाँ भी थी, पर त्यौहार है
सेलिब्रेट करना तो बनता है। और ये वीडियो देखकर तो आप लोगों को सच में लग रहा होगा कि लोगों ने जमकर होली खेली है, सारे पिछले साल की कसर लोगों ने निकाल दी है इस होली में। तो मैं यही कामना करती हूँ कि आप ऐसे ही मस्त रहें, खुश रहें और ऐसे ही प्यार से अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पास पड़ोसियों के साथ ऐसे ही खुशी से अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते रहें। किसी ने सच ही कहा है, उड़ने दो इन रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, उड़ने दो इन रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, एक त्यौहार ही तो है जो हमें रंगीन बनाते हैं। साल भर इन सातों रंगों से आपकी जेब हमेशा भरी रहे, इसी कामना के साथ मैं मधु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको आगे शेयर ज़रूर करेंगे अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। तो मैं मधु शर्मा आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका प्यार ऐसे ही बना के रखिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।